नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। रेवाड़ी विधानसभा सीट से आम आदमी प्रत्याशी पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने रविवार को धारवाड़ा में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए सतीश प्रधान ने धारवाड़ा में गंदे पानी की निकासी व बस स्टैंड सहित तमाम मसलों को लेकर कई सवाल खड़े किए। वहीं रूठे नेताओं को मनाने निकले भाजपा नेताओं के सवाल पर सतीश ने कहा कि मानने का सवाल ही नहीं है, मैं आम आदमी पार्टी में हूं, भाजपा ने कभी अपना माना ही नहीं, मानते तो रेवाड़ी से अयोग्य को टिकट नहीं देते। वहीं नाम लिए बगैर रविंद्र पर भी हमला किया और कहा कि कुछ नेता नहीं चाहते कि आम आदमी आ गया है, यदि ऐसा हुआ तो उनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। सतीश ने कहा कि 20 सितंबर के बाद रेवाड़ी में दिल्ली व पंजाब के सीएम सहित अनेक बड़े नेता चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। अब आपको दिखाते हैं धारवाड़ा में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए आप प्रत्याशी सतीश यादव ने क्या कहा। दो कार्यालय आज यहाँ बनाए हैं, एक बास रोड पे और एक यहाँ, तो उत्साह तो साथियों का जबरदस्त है। और मैं जब यहाँ सुबह आया तो मैं वैसे ही दुकानों पे रुक गया और मैं वो जो धारवाड़ा की जो गंदगी है, बस स्टैंड जो आप कहते हो, बस स्टैंड नहीं है, एक गंदा जो झोड़ का जो विकराल रूप जिसने एक बीमारी का यहाँ धारण कर रखा है, उसको देखने के लिए रुक गया। अनेक लोग वहाँ जो अड़ोस पड़ोस के दुकानदार थे इकट्ठे हो गए और मेरे से पहले वो लोग ये कहने लगे कि भाई आपको सतीश भाई इस बार वोट मांगने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ नहीं आते जब भी पहले से आपकी वोट है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के कारनामे, चाहे आपका यहाँ का धारवाड़ा का इंडस्ट्री एरिया है, चाहे धारवाड़ा के सेक्टर हैं, चाहे धारवाड़ा का जो आज भी गंदा पानी जो पिछले 20 साल से लगातार आ रहा है, 16 साल पहले मैंने सबसे पहले यहाँ ज्ञापन आके दिया था तत्कालीन नायब तहसीलदार को, और उसके बाद हम बहुत भारी आप सबको लेके मैं आया था यहाँ पिछले दिनों, साल डेढ़ साल पहले। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे, वो फिर उसका स्थायी समाधान करके गए, आज भी स्थायी समाधान नहीं हुआ है। धारवाड़ा में अब सर्दी का समय आएगा, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ का ना रोजगार है ना यहाँ समुचित बिजली पानी की व्यवस्था है, पानी है तो गंदा है, रोजगार है तो हमारे यहाँ के बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। और ये धारवाड़ा का इंडस्ट्री एरिया, इसके साथ साथ जितने भी और धारवाड़ा की इंडस्ट्री जो एरिए और जो इस क्षेत्र के इंडस्ट्री एरिया, चाहे बावड़ हो, चाहे आपके भिवाड़ी हमसे बाद में बने, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हमसे बाद में मानेसर और बाद में बावड़ बने, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा हमसे बेहतर है और हमारी क्या स्थिति है। तो ये जो धारवाड़ा क्षेत्र, ये ऐसा लगता है जैसे ये है ही नहीं कहीं हरियाणा में, जबकि NCR का क्षेत्र है। और ये मैं कहता हूँ कि ये केवल धारवाड़ा तो इसका नाम है, ये पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ रहते हैं और कम विदेशों से भी रहते हैं, नेपाल एक कंट्री, नेपाल के भाई भी यहाँ रहते हैं और भी छोटी मोटी कोई जो पड़ोसी देश है उनके देश के लोग भी यहाँ रहते हैं और यहाँ कंपनियों में विदेशी कंपनियाँ भी यहाँ रही, लेकिन जो इस धारवाड़ा की स्थिति है बहुत दयनीय है। रोना आता है इस क्षेत्र की लोगों की दुर्दशा को देख कर, और ना जाने कब वो दिन आए कि इन सब बातों पर काम हो। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग उम्मीद कर रहे हैं मुझसे, मेरी पार्टी से, मेरे इस झाड़ू के निशान से, आम आदमी से, अगर भाई किस तरह से ये लोगों के जीवन में इनका अमूलचूल परिवर्तन लेके आएंगी। और अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है कि माननीय केजरीवाल साहब ने 2 दिन बाद इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने वो फैसला इसलिए किया है कि अब मैं इस्तीफा दूंगा, अब से पहले ये मुझे ज़बरदस्ती जो इस्तीफा लेना चाह रहे थे वो मैं नहीं दिया, नैतिकता बनती है मेरी, मैं जेल में रह के मैं नहीं दिया, लेकिन बाहर आते हुए 2 दिन बाद अभी न्यूज आई जस्ट, शायद मुझे नहीं पता आपके पास उसकी अपडेट यह है या नहीं है, कि 2 दिन बाद उन्होंने ये भी एक उदाहरण पेश किया है कि हम सत्ता के भूखे लोग नहीं हैं, हम सेवा के भूखे लोग हैं और हम बाहर आके अब इस्तीफा दे के जन जन की सेवा करेंगे और पूरे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश में। आगे मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये तो ये कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि हम डिप्टी CM बनेंगे, और मैं क्या कह रहा हूँ कि हम सेवक बनेंगे, लेकिन यकीन मानना इस बार जो भी सरकार बनेगी उसमें आम आदमी पार्टी का हिस्सा होगा और जो इस इलाके जो इस क्षेत्र में काम नहीं हो पाए वो सब होंगे। कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से चिरंजीवी राव को डिप्टी CM बताया जा रहा है, आरती राव को रामविलास शर्मा CM का चेहरा बता रहे हैं, जिस तरीके से राजनीति में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है, काम की बात नहीं हो रही, विकास की बात हो रही है, ज्यादा बेहतर होता कि वो इलाके में विकास की बात करते, ज्यादा बेहतर होता वो नौजवान की बात करते, ज्यादा बेहतर होता वो साबी नदी की
गंदे पानी की बात करते, जो मेरी जीवन दायिनी थी चाबी नदी, जो आज विकराल रूप धारण जो कर चुकी है, जो कैंसर लेके घूम रही है, और जो कभी जीवन दायिनी थी आज वो मौत का सामान लिए बैठी है। क्या हो गया मेरे इस इलाके को, क्या है इस क्षेत्र की दुर्दशा, ये तो पता नहीं क्या क्या बनेंगे, ये तो पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे। सतीश यादव तो एक सेवक बनने आया है, इस धारड़ा की गंदगी मिटाने आया है, इस चाबी नदी को साफ करने का संकल्प लेके आया है, संकल्प लेके आया हूँ धारड़ा में गंदा पानी ना आए, संकल्प लेके आया हूँ धारड़ा का बस स्टैंड बसों के लिए हो, ना कि ऐसा निशाए पशु और हमारे गंदी जो गंदगी जो वहाँ व्याप्त है उसमें जब बड़ा तकलीफ होती है, जब हमारी जो कॉलोनी अबोध बच्चे जिनको आप जिनको शायद कोई ज्ञान ही नहीं है, जो भगवान का रूप है, वो उस स्विमिंग पूल समझ के उसमें जब नहाते हैं तो बहुत तकलीफ देह हो जाता है। आज भी यहाँ जाम की स्थिति है, युवाओं को रोजगार नहीं है, और इनको सीएम और डिप्टी सीएम पद चाहिए तो वो तो साहब ये जाने, हमें तो कोई पद नहीं चाहिए, हमारे को केवल सेवा करने का मौका चाहिए। दिल्ली से नजदीक स्टेट के लिहाज से बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, विकसित भारत की बात करते हैं, आज भी यहाँ के लोग जो है बुनियादी जो समस्या है उनका कुछ बता दी, किसको जिम्मेदार मानते हैं? अपने आप को, खुद को, मेरी देवतुल्य रेवाड़ी की जनता को, कि हमने अगर हमारा कोई व्यक्ति घर में बीमार हो जाए, कोई घर का सदस्य, तो हम उसको किसी डॉक्टर के बड़े से बड़े चाहे हॉस्पिटल उसमें ले जाते हैं, और उसका हम देख रहे हैं कि इससे इलाज नहीं हो पा रहा तो हम क्या करते हैं, हम हॉस्पिटल चेंज करते हैं, हम किसी दूसरी जगह जाते हैं, और हम बड़े हॉस्पिटल से कई बार वैद्य तक भी आ जाते हैं, शायद ये वैद्य इलाज कर दे। तो ये तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इनके पास तो इस इलाके का इलाज नहीं, हम इस इलाके के वैद्य हैं, मैंने सतीश यादव ने इस इलाके की नब्ज पकड़ी है कि यहाँ की तकलीफें दुख क्या है, उन दुखों को ये वैद्य दूर करेगा। ये बड़े बड़े जो चमकती हुई जो दुकानें हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े घरों के बता रहे हैं, ये बड़े घर में जरूर पैदा हुए होंगे, लेकिन सेवा का भाव इनमें नहीं है। सतीश यादव सेवा के भाव से अपने इस धारड़ा क्षेत्र की जनता के बीच में आया है, और मैं यहाँ, मेरा यहाँ नालगढ़ है, मेरे यहाँ की पैदाइश है, मैं इसी क्षेत्र में जन्म लिया है, तो मेरे को इनसे ज़्यादा मेरी जिम्मेवारी अपने क्षेत्र को साफ सुथरा और सुंदर बनाऊँ। जब भी आप चाहेंगे आपके बीच में हम, और वो हम 20 तारीख के आसपास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी भी नहीं, अभी हमारा भी एक ये सबको चिन्ह मिल जाए, सब काम हो जाए सुचारू रूप से, 17 तक का एक प्रक्रिया है जिसके फार्म वापिस लेने हैं, कैंसिल होने हैं, जो भी होना है वो हो जाए, उसके बाद इस पर काम करना शुरू करें। बीजेपी ने आज मान मनोबल का दौर शुरू कर दिया है, तमाम विप्लव देव हो चाहे उनके धर्मेंद्र प्रधान हो, वो लगातार सोच रहे हैं, क्या आपके पास इस तरह से? मेरे पास क्या आएगा, मैं आम आदमी पार्टी के सदस्य हूँ, मेरा भारतीय जनता पार्टी से लेना देना क्या है, क्यों आएंगे मेरे पास? उन्होंने मुझे कभी अपना माना नहीं, मानते थे कि भारी व्यक्ति को टिकट नहीं देते, जो व्यक्ति कहता है कि मेरे फ़ोन नहीं उठाते, जो व्यक्ति कहता है मेरी चलती नहीं है, जो व्यक्ति एसपी का रोना रोते थे बैठ के सीएम के सामने, वो क्या कराएंगे इस इलाके का विकास? और ऐसे अयोग्य लोगों को यहाँ क्यों भेजते हो? मनाने किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी योग्य व्यक्ति को टिकट देते। कमजोर व्यक्ति को टिकट देने के कारण क्या लगता है आपको कि आप भी भाजपा की राजनीति में इस इलाके का विकास नहीं कराना चाहते? वो नेता सोचते हैं कि इलाके का विकास हो गया, कोई ढंग का आदमी आ गया तो तुम्हारी राजनीतिक रूप से दुकान बंद हो जाएगी, और कोई कारण नहीं। सतीश यादव को वोट मांगने का जो तरीका है वो आजकल चर्चाओं में, सब जनसभाएं करते हैं, जन समर्थन मांगते हैं, लेकिन आपका सबको पर करना, झोली फैलाना, किस लिए इसको अपनाया, क्या इसके पीछे उद्देश्य? कोई नौजवान राजनीति कर सके, आपका दिल करे कब कल को ये कैमरा छोड़ के, ये माइक छोड़ के आपका मन करे कि मैं राजनीति करूँगा तो बिना खर्चे हो जाए, बिना खर्चे हो जाए, चर्चा बहुत बड़ी होगी, आपका पर्चा बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन खर्चा आपका शून्य होगा। आप में माँ सरस्वती की दी हुई ताकत होनी चाहिए, आप में बोलने का मादा होना चाहिए। मेरा निवेदन है, सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि योग्यता के आधार पर वोट दें। अगर मैं योग्य हूँ, अगर सतीश यादव योग्य है तो मेरी दें, अगर आपको ये योग्य लगते हैं तो इनके देना, योग्यता पे किसी के कहने से मत देना। क्या लगता है कि जो बाहर जो दो घरों से बाहर की राजनीति क्यों नहीं निकल पा रही, रेवाड़ी की बात में क्या वजह लगता है? ऐसा नहीं है कि नहीं निकल पा रही, ये हम गलत सोच रहे हैं। कभी कलन राम सिंह साहब ने बड़ा चैलेंज करके इनको मात देने का काम किया, भाई रघु यादव ने भी काम किया, ऐसा नहीं है। और इनके खिलाफ अनेक लोग जीते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई यही, लेकिन जिसने संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाया, इसलिए बड़ा लंबा जिसने संघर्ष नहीं किया तो वो ख़त्म हो जाता है। सतीश यादव सड़कों पे है, और मैं आज से नहीं हूँ, कोई आज से हूँ तो कह दोगे आप तो अभी चुनाव के दौर में आए हो, मैं संघर्ष मेरा 20-22 साल का है, ये अलग बात है कि भाई मैं अपने अलग अलग तरीके से मेरा संघर्ष करने का तरीका है, और मैंने झूठी बात किसी के यहाँ मां नहीं मिलाई, चाहे वो कोई पार्टी है चाहे कोई नेता है, मेरे लिए पार्टी बड़ी नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं बेशक आज आम आदमी पार्टी में हूँ, लेकिन मेरे लिए आम आदमी की बात बड़ी है, और यही मेरी पार्टी का उद्देश्य भी है।
मैंने कभी पार्टियों को झंडे को ज्यादा वो नहीं किया भाई साहब ये, क्योंकि पार्टी कोई अच्छी बुरी आज ही मेरी नजर में नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि लोग हैं अच्छे बुरे, लोगों को पहचानो। आज केजरीवाल जी ने जिस तरह से देश में उदाहरण पेश किया मेरी नजर में उनका कद और बढ़ गया, और मेरी नजर में श्रीमती इंदिरा गांधी का कद बहुत बड़ा है कि उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। मेरी नजर में बहुत बड़ा कद अटल बिहारी वाजपेयी का जिन्होंने परमाणु विस्फोट कर दिया था, और अमेरिका भी जो इनके जो सैटेलाइट लगे थे वो नहीं उसको रोक पाए थे। तो मेरे लिए कोई पार्टी माननीय काशीराम जिन्होंने पूरे समाज को एक पूरे समाज को जो एक देखे गए संदेश, जिन्होंने बहुजन समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि जागना सिखाया, लड़ना सिखाया, मेरे लिए काशीराम जी बड़े हैं। मेरे लिए कोई पार्टी छोटी और बड़ी नहीं है, मेरे लिए उसमें जिनके जो विचार हैं, जिनके विचार बड़े हैं वो बड़ा है, जिनके विचार छोटे हैं वो चाहे कोई पार्टी हो चाहे कोई व्यक्ति, मेरी नज़र में वो छोटा है।